दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन पांच वीडियो एडिटर्स, जिनकी मदद से आप कैसे भी वीडियोस बनाते हो उनकी एडिटिंग आराम से कर पाएंगे। जी हाँ, आप मूवी एक्सप्रेशन के वीडियोस की एडिटिंग करना चाहते हैं, आप शॉर्ट्स बनाते हैं, आप रील्स बनाते हैं, तो आसानी से इन पर एडिट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई वाटरमार्क नहीं आता है इनमें, और अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। देखिए कुछ एप्लीकेशन जो है तो 4K वीडियो एक्सपोर्टिंग का सपोर्ट भी देते, तो वो भी कर सकते हैं आप। और जो लास्ट के दो एप्लीकेशन है तो काफी ज्यादा अच्छे एप्लीकेशन है, तो इस वीडियो का बिना स्किप करे देखें। हमारा पहला एडिटिंग एप्लीकेशन होने वाला जो वीडियो एडिटर है वो होने वाला इनशॉट एप्लीकेशन, या इनशॉट ऐसा कुछ ओपन हो जाता है, ऐसा इंटरफेस आता है। न्यू फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से कोई भी आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा फीचर्स इसके बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वीडियो आ गया है मेरा। तो ये सिंपल सा आप क्या करना है, पर यार रेशियो जो कैनवास का ऑप्शन है तो यहाँ से आपको रेशियो देना पड़ता है इसका। ये रेशियो देते हैं आप, यहाँ से रेशियो देने के बाद देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है म्यूजिक वाला, तो यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक एडिट कर सकते हैं। आपने वॉइस ओवर करके रखा है तो वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, देख सकते हो, और ऑडियो के इफेक्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पर ऑप्शन स्टीकर का, तो स्टीकर यूजलेस है लेकिन कभी कभी हमको काम पड़ता है। जैसे स्टीकर पर जाते हैं आप, और यहाँ पर कुछ स्टीकर आपको देने हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, या आप इमेज के रूप में भी कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, स्टिकर के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है तो वाटरमार्क वगैरह देने का काम में आ जाता है, कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है वीडियो में आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिल्टर वाला ऑप्शन आ जाता है, तो फिल्टर में क्या होता है, सिंपल सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं वीडियो का, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह या एडजस्टमेंट जाएंगे और यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में कंट्रास्ट वगैरह भी है, और टिंट सेचुरेशन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, साथ में इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये फिल्टर्स है, ज़रूरत पड़ती है मूवी एक्सप्रेशन के वीडियोस बनाने के लिए तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसको ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर PIP का ऑप्शन है। PIP का ऑप्शन क्या काम करता है वीडियो एडिटर के अंदर, PIP में जाना होता है, और अगर एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो आपको चलाना है, सपोज जैसे वो वीडियो चल रहा है, ठीक है, मुझे कोई और वीडियो लेना है, जैसे ये वीडियो मुझको लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसको रख दूंगा और उसको रिसाइज कर सकता हूँ मैं ऐसा अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ करने के बाद अब यहाँ पर ये वीडियो क्या है, दो वीडियो एक साथ चलने लगेंगे, और साथ में आप यहाँ पर क्रोमा की का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्रोमा की मतलब अगर ग्रीन स्क्रीन वगैरह में रिकॉर्ड करते हो, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी ग्रीन स्क्रीन नहीं है लेकिन ये आ गया, देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर देंगे, ऐसा करेंगे और यहाँ पर टच करना पड़ता है एक बार, यहाँ पर जो कलर रिमूव करना है। अभी ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो इतने अच्छे से रिमूव नहीं होगा, यहाँ देख सकते ये इतना बैकग्राउंड रिमूव हुआ है इसका, यहाँ पर मतलब ग्रीन स्क्रीन रहती तो और अच्छे से रिमूव हो जाता है। ये यूज़ कर सकते हैं आप क्रोमा की साथ में PIP, मतलब दो वीडियो एक साथ चलाना, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, यार डिलीट का ऑप्शन है तो ये डिलीट भी हो गया है। देन उसके बाद देखिए प्री कट का ऑप्शन है। प्री कट में क्या होता है, आपको स्प्लिट वगैरह करना है, ट्रिम वगैरह करना है वीडियो में, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कट स्प्लिट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। देन उसके बाद हम आते हैं स्प्लिट वाले ऑप्शन पे। स्प्लिट मतलब अगर आपको क्लिप वगैरह बनाने की ज़रूरत जब पड़ती है वीडियो के अंदर तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अनवांटेड हिस्सा मैं निकालना चाहता हूँ, यहाँ से एक हो गया ये, और इसको मुझको डिलीट करना है इतने से भागो, तो ये डिलीट कर दूंगा, साथ में ऐसे क्लिप जल्दी जल्दी बना लूँगा, ये डिलीट करना है बीच में से, तो ये सब मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ये उपयोग में आता है स्प्लिट का, डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हिस्से को डिलीट करने के काम में आता है। देन बैकग्राउंड का ऑप्शन क्या होता है, बैकग्राउंड का ऑप्शन में आप बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड देना चाहते हैं, लाल देना चाहते हैं, या पिक के रूप में देना चाहते हैं, ब्लरिस देना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड स्पीड यहाँ से आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। मूवी एक्सप्रेशन में देखा होगा आपको, आपको मूवी के जो क्लिप होते हैं उनको स्लो वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, या फास्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ से आप उसकी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। और ये हो गया हमारा एनिमेशन। अब हम जो क्लिप्स बनाते हैं तो उनमें बीच बीच में आप एनिमेशन वगैरह भी डाल सकते हैं, तो एनिमेशन का उपयोग तब करते हैं। क्रॉप, वीडियो को आप क्रॉप कर सकते हैं कुछ ऐसे, जिस हिसाब से आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप करके लगा सकते हैं। देन ये उसके बाद ओपेसिटी वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो ओपेसिटी कुछ ऐसी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं ब्लर वगैरह हो रहा है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है तो वो वीडियो की जो वॉल्यूम होती है तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से वॉल्यूम कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट ऑडियो भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर वीडियो का ऑडियो आपको निकालना है तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए उसका ऑडियो अलग हो गया। देन उसके बाद हम आते हैं अभी फिलहाल बैक आ जाते हैं, ये अब हमारा हो गया। यहाँ पर वॉइस इफेक्ट दिया है तो वॉइस में इफेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये तरह तरह के इफेक्ट है, मतलब आवाज़ छोटी मोटी बच्चे जैसी कुछ हो जाती है तो ये उपयोग का नहीं है हमारे। देन रिप्लेस, अगर आपको एक क्लिप से दूसरा क्लिप रिप्लेस करना है तो ये तुरंत यहाँ से कर पाएंगे, मतलब ये क्लिप अगर मैं लाना चाहता हूँ वहाँ तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब डुप्लीकेट मतलब अब यहाँ डुप्लीकेट जनरेट करना, जैसे ये एक क्लिप है तो इसका डुप्लीकेट मैं ये बना सकता हूँ, मतलब दो क्लिप सेम टू सेम हो गए। अब रिवर्स का क्या ऑप्शन है, रिवर्स मतलब
सीधा सीधा वीडियो चल रहा है तो उसको रिवर्स आप कर सकते हैं, जैसे रिवर्स वगैरह वीडियो बनाएंगे आप, रील वगैरह बना दे तो उसमें काम आ सकता है ये रिवर्सल ऑप्शन। रोटेट करना है वीडियो को तो रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप वाला लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, जैसे ये हो रहा है कुछ ऐसे कर सकते हैं इससे। देन फ्रीज वाला ऑप्शन, अगर आपको वीडियो में पिक्चर जनरेट करना है एज अ क्लिप तो उसको यहाँ से कर पाएंगे आप। देखिए ये हो गई मेरी क्लिप, पिक्चर के रूप में जनरेट हो गई, तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। इतने फीचर्स है इसमें, और जो जो आपको चाहिए मूवी एक्सप्रेशन वीडियोस की एडिटिंग करने के लिए तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये अच्छा एप्लीकेशन है, ये वाटरमार्क का देख रहे एड देखने के बाद चला जाएगा। और कलर ग्रेडिंग आप करना चाहते हैं, आप रील्स वगैरह सिनेमेटिक वीडियोस बनाते तो उसके लिए बेहतरीन सा मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में ही, तो इस वीडियो में आप बने रहे। अब हमारा यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन हो जाता है यूकट। अब यूकट भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, कोई वाटर मार्क नहीं आता है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन कुछ कुछ इफेक्ट वगैरह यहाँ पर प्रीमियम मांगते हैं, लेकिन वो उतने यूज़फुल नहीं है, ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो सेलेक्ट कर दूंगा मैं कोई भी यहाँ। अब ये एप्लीकेशन कैसा है, सेम टू सेम कॉपी मिलेगा आपको इनशॉट का, जैसा आप इनशॉट को यूज़ करते वैसा ही यूकट को भी आप यूज़ कर पाएंगे। सेम टू सेम फीचर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, सारे टूल्स सेम जैसे कि इनशॉट में वैसे ही मिलेंगे। तो जैसा इनशॉट को बताया मैंने तो आपका टाइम वेस्ट ना करती हुई, यहाँ पर भी सेम अप्लाई होता है, सेम का सेम है। इनशॉट के अंदर आपको 4K तक एक्सपोर्ट मिल जाता है, जैसे यहाँ पर मैं सेव करता हूँ यहाँ पर भी 4K का यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है, 4K तक एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं इनमें, देख सकते हैं। और वहाँ पर इनशॉट के अंदर भी 4K तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। ये देखिए 60fps तक जाता है यहाँ पर। बात करते हैं हम अपने थर्ड एप्लीकेशन की, थर्ड एप्लीकेशन है हमारा वीडियो गुरु, यहाँ पर आ जाएंगे वीडियो गुरु। वीडियो गुरु एप्लीकेशन ये सेम टू सेम कॉपी है यूकट और इनशॉट एप्लीकेशन का, जैसे फीचर्स आपको वहाँ मिलते तो इनके अंदर भी आपको देखने मिल जाएंगे। ये भी बिल्कुल फ्री है, कोई वाटरमार्क नहीं आता है इसमें। सारे जो आपको मूवी एक्सप्रेशन का वीडियो बनाते हैं आप, रील्स बनाते या कुछ बनाते तो उन सब की एडिटिंग के लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है। मैं फिलहाल एडिटिंग के लिए इसी एप्लीकेशन को अभी यूज़ कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन और है पावर डायरेक्टर, लेकिन वो क्या है उसमें वाटरमार्क वगैरह आता है तो इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, और उसके फिल्टर्स वगैरह के लिए भी पैसे आपको देने पड़ते हैं। लेकिन मैं जो इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फ्री वाले एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, तो इन सब को आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इन तीनों में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ा ही शानदार एप्लीकेशन है ये वाला भी जो वीडियो ग्रुप है। अभी फिलहाल मैं इसी से एडिट करता हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से जो जो फीचर्स मैंने उन दोनों एप्लीकेशन में आपको बताया, तो वो सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपको स्टिकर वाला एक यहाँ पर फीचर दिखाता हूँ मैं, स्टिकर पर जाना होता है। अब यहाँ पर मैंने ये PNG के रूप में एक स्टिकर ऐड करके रखा है, ठीक है। ये स्टिकर का क्या काम होता है, आप टेक वगैरह के चैनल बनाते हैं आप या किसी चीज़ का इंडिकेशन देना चाहते तो ये स्टिकर यूज़ आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये। अब यहाँ पर मैं वीडियो को रन करता हूँ, पहले देख सकते हो स्टिकर आएगा, अभी वो स्टिकर आ गया। तो ये स्टिकर का यूज़ आप कर सकते हैं, ऐसे सेम है यूकट जैसे और इनशॉट जैसे, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर PIP वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हैं, जैसे वहाँ पर करते थे फ्रीज वगैरह, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे चौथे एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पर VN एप्लीकेशन। ये बहुत शानदार एप्लीकेशन है, अगर आप रील बनाते हैं, आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं या स्टोरीज डालने के लिए आप वीडियोज़ बनाते हैं तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, कोई इसमें चार्ज वगैरह नहीं लगता है। जैसे ये वीडियो हो गया, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर वीडियो एड होने के बाद देखिए यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और आपको अगर PIP के रूप में जैसे कोई फाइल लेनी है तो यहाँ से भी वो कर सकते हैं, इस लेयर पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, सेम है जैसे फिल्टर्स वगैरह बताया था मैंने, ट्रिम का उपयोग आपको पता है, एफएक्स, तो एफएक्स के अंदर आपको तरह तरह के इफेक्ट यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। अब बीच वगैरह में जैसे आप कट वगैरह स्प्लिट कर दे तो बीच में आप ये ऐसे इफेक्ट लगा सकते हैं, या वीडियो के ऊपर भी आप ऐसे इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं इस टाइप से। तो ये तरह तरह के यहाँ पर एफेक्ट्स इफेक्ट आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। स्प्लिट का उपयोग आपको पता है, स्पीड का पता है, वॉल्यूम भी पता है, क्रॉप पता है, रोटेट आपको पता है, मिरर भी पता है, या जो फ्लिप वाला है मिरर का क्या उपयोग है, जैसे वहाँ पर फ्लिप होता तो यहाँ पर मिरर होता है लेफ्ट का राइट करने के लिए, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड भी जैसे बनाए थे हमने इनशॉट के अंदर, तो यहाँ से बैकग्राउंड आप बना सकते हैं, कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ बॉर्डर के बाद ये जूम वाला जो फीचर है, तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। यहाँ पर आप जूम वगैरह, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जब भी आप पिक्चर्स का यूज़ करते हैं मूवी एक्सप्रेशन वीडियोज़ के अंदर, तो ये आपको काम आता है तब यहाँ पर जूम इन जूम आउट करने के लिए। ये पिक्चर्स को आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पिक्चर एडिट नहीं किया तो मैं बता नहीं रहा हूँ। और यहाँ से आप स्लो मोशन वगैरह भी वीडियो को कर सकते हैं, जैसे स्पीड में जाते हैं ना तो यहाँ पर स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको देखने। अब यहाँ से देखिए ये आपको स्लो मोशन वगैरह करने का ऑप्शन मिलता है,
यहाँ पर कर्व और रेगुलर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको स्लो मोशन जब आप रील वगैरह बनाएंगे तो तब ये आपको काम आने वाला है। इसका ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर। मैं बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेहतरीन एप्लीकेशन है बनाने के लिए। और आप इसमें कलर ग्रेडिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एडजस्ट में जाना पड़ता है जैसे कुछ करना है। अभी मैं फिल्टर के ऊपर जा रहा हूँ, फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पर एडजस्ट ऑल ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सपोजर वगैरह इसमें बढ़ाना है, कंट्रास्ट वगैरह बढ़ानी है, या कुछ बढ़ाना है, ब्राइटनेस, सेचुरेशन वगैरह जो भी करना है आपको, तो वो सब यहाँ से कर सकते हैं। पांचवें एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब हमारा पांचवा और आखिरी एप्लीकेशन है कोलोरो। जी हाँ, कोलोरो, सही सुना आपने, कुछ ऐसा इंटरफेस उसका आता है, ऐसा खुलता है कोलोरो। और ये एप्लीकेशन खास है सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए। आप सिनेमेटिक वीडियोज़ बनाते हो उनके लिए बहुत बेहतरीन ये एप्लीकेशन है। किसी तरह की भी कलर ग्रेडिंग आपको करनी है तो एकदम टॉप क्लास की आपको कलर ग्रेडिंग दे देता है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है, और जैसे मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, आपको बताऊँगा कि वो पहले कैसा दिख रहा था, अभी कैसा दिखता है। जैसे एक ऐसे वीडियो ले लूँगा मैं, ये वाला वीडियो हो गया समझ लीजिए, ठीक है। अब ये वीडियो लेने के बाद इसकी कलर ग्रेडिंग मुझको करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो कस्टम इफेक्ट है वो दिए हुए यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले कैसा वीडियो था अभी कैसा है, तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। इतने सारे यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। मैं कुछ दिनों में इसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो है ट्यूटोरियल बनाकर लाऊंगा। आप सिनेमेटिक वीडियोस बनाते हैं, आप रील्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं, या आप नेचुरल शॉट्स वगैरह लेते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन आपका होने वाला है। खासकर कलर ग्रेडिंग के लिए ही ये एप्लीकेशन बनाए आप, ऐसा कर सकते हैं। नाम ही इसका कोलोरो है, तो कलर ग्रेडिंग के हिसाब से इस एप्लीकेशन को बनाया गया, तो इसको आप जरूर यूज़ करें। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इफेक्ट याद दिए हुए कलर ग्रेडिंग के हिसाब से, और वो टोन देख सकते हैं मेरी कैसी होगी, तो उसको एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो वगैरह भी दे सकते हैं, वाइट ब्लेंस वगैरह कुछ करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप ट्राई जरूर करें। अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं वीडियो में, तब आपके जरूर ये काम आने वाला है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैसेज करें इंस्टाग्राम के ऊपर, या कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर भी मैसेज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे।